good morning everybody welcome back to self-help group for upsc in this video i just thought let me put you across some of the major problems joe filhal her aspirant face caraoga since prelims 2024 is approaching this is the right time to make this video so in this video i will be telling you something based on my personal experience for the last 3 to 4 years in this upsc preparation i have encountered these issues and I just uh, thought, ki let me put this to you so that it can help you. Now, these are some of the things mentioned below. If you feel that one of these to please improve it and check yourself for that. Ki whether you are in the right direction or not, because any of these things can misguide you. So let's get started. First thing is, you if you are rushing after current affairs. Now, what do I mean by this? Current affairs means current affairs. आर इम्पॉर्टेंट ओके इसमें कोई भी डिनाइल नहीं है बट द थिंग इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं ना इट कैन backfire यू हाउ दिस विल हैपन इज कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना स्टैटिक इज द किंग इन यू ये सब बोलते हैं ठीक है बट वॉट हैपन्स इन द मीन वाइल कि अगर आपका स्टैटिक इम्पॉर्टेंट मतलब स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा ना तो आप करेंट अफेयर्स भी नहीं समझ पाएंगे बट वाइस वर्षा हो सकता है अगर आपका करंट अफेयर्स कोई छूट भी गया है बट देर आर स्टेटमेंट्स तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे या आपको मैं प्रीवियस ही क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी ना मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट देन यू विल अंडरस्टैंड सो आपको ज़्यादा ध्यान क्या करना है ना कि आप स्टैटिक पे ध्यान दें फॉर करंट अफेयर्स कीप योर वन रिसोर्स अलॉन्ग विद द न्यूज़ पेपर दैट इज मोर देन सफिशियंट अगर आपका स्टैटिक तैयार होता है ना आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं

ना वॉट हैपन्स विद दी कोचिंग्स एंड इंस्टीट्यूट इज ना उनको कुछ ना कुछ अपडेट करना है लेकिन वो लेके आएंगे दैट इज़ नॉट योर जॉब ना यू कैन नॉट रीड एवरी थिंग सो वॉट यू शुड डू इज कि यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर हर चीज की एक लिमिट होती है सो दैट हैज टू भी देयर इन द करेंट स्पेशली सो रिमेंबर दैट स्टैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ द किंग इट विल डिसाइड एवरी थिंग तो करंट अफेयर्स को आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना रिक्वायर्ड है डू नॉट रश आफ्टर दैम कि अभी मार्केट में ये मैगजीन आ गई है ये प्रिलिम्स ऑरियंटेड आ गई है लेट मी रीड दिस बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आ रहा है यू विल गेट प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट द मोमेंट यू स्टार्ट कि आपका रिसोर्स सिर्फ इतना ही रहेगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर डूइंग यू हैव टू लिमिट यूर सेल्फ ओके सो आई थिंक मैंने इसको बता दिया अच्छे से नेक्स्ट इज टू मच फ्री गाइडेंस ऑन यू ट्यूब एंड टेलीग्राम दिस वाई एम आई सींग की एवरीबडी इज टेलिंग जैसे मैं आपको बता रही हूँ लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं दे आर गाइडिंग यू उसमें कोई गलत बात नहीं है बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड की आप किस आपको कौन सी चीज सूट कर रही है और आप किसको फॉलो कर सकते हैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता यू हैव टू सी कि वॉट इज रैशनल फॉर यू जो आपको समझ आ रहा है जो लग रहा है आपको मैच कर रहा है और जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है ना सिर्फ उसी को देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना एज सुन एज यू ओपन यूट्यूब आपको पचास वीडियोस दिख जाएंगे अलग अलग लोगों की ठीक है कोई दिख रही होगी कि ये डिस्ट्रैक्शन है जैसे मैंने अभी बनाई प्रीवियस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेना है करंट अफेयर्स के लिए ये पढ़ लेना है दिस इज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मतलब जो आएंगी प्रबलम्स में अब क्या होगा ना आपने देखनी थी सिर्फ एक वीडियो मान लीजिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखना था विच इज द बेस्ट सोर्स चलो आपने देख लिया उसके चक्कर में आप चार और स्क्रोल कर लोगे नीचे नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना यू हैव टू रेक्टिफाई दैट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर इंक्लूजन में दिक्कत हो गई चलेगा मतलब आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो जरूरत था तो फॉर अ मोमेंट इट इज ओके बट अगर आप एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हैं ना जो आपको नहीं पढ़ना था दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने माइंड में डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज को बाहर करना है ठीक है सो so, जस्ट स्टिक टू दिस कि आप सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं जिसकी आपको सच में रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि जब आपको गाइडेंस मिल रही है ना बहुत सारी तो फ्री गाइडेंस मेक्स यू वलरेबल टू मतलब मैनी डेंजर थिंग्स ओके ऐसा होगा कि आपको जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड ना आप वो भी सीखेंगे और आप उसको फिर अपने में चेंज करने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था इन्होंने ऐसे बताया तो लेट मी चेंज दिस इन माई स्ट्रैटेजी डू नॉट डू दैट आपने बहुत लोगों से सुना होगा एंड दिस इज ट्रू कि यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल आउटसाइड देयर ईच पर्सन हैज गॉट देयर ओन स्ट्रैटेजी ईच पर्सन हैज गॉट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सूट कर रहा है थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टेक्निक्स फॉर प्रीलिम्स नाउ लेट मी टेल यू देयर आर नो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रीलिम्स एट लीस्ट फॉर माय केस आई डिड नॉट डू दैट मैंने एक भी अटेम्प्ट में नहीं किया फॉर द लास्ट टू ईयर्स आई डिड नॉट फॉलो दैट एक्चुअल में क्या होता है ना ट्रिक्स और टेक्निक नहीं होती वो एक माइंडसेट होता है वो माइंडसेट आपको प्रैक्टिस से आएगा इट इज़ नॉट वन डे आर्ट कि आज मैं आपको बता दूं कि ये हंड्रेड क्वेश्चन हैं आप ये मेरी टेक्निक से सॉल्व कर लीजिए और ये आपके साथ हो जाएगा नहीं इट इज़ एन आर्ट एंड इट डेवलप्स इन एवरी प्रैक्टिस एक एक करके हर एक ने अपने आप से डेवलप की है एक्चुअल में क्या होता है ना मान लीजिए आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आपने प्रीसेट माइंडसेट निकाल लिया अपना. है अपना ठीक है ऑफ हैंडलिंग क्वेश्चंस आप सोच के जा रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आई विल हैंडल इट दिस वे नाउ व्हाट विल हैपन ना सपोज वैसा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं अब आप क्या करेंगे आप तो किसी और के माइंड के हिसाब से चल के गए थे ना आपने वो खुद से नहीं सोचा कि अच्छा ठीक है ये ऐसे आ रहा है लेट मी सॉल्व इट दिस वे ये कब आएगा आपको जब आप खुद सॉल्व करेंगे चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो जब आप खुद सॉल्व करते हैं आप खुद का दिमाग लगाते हैं और आप वो चीजें ट्रैक करते हैं कि इंस्टेंटली आपके सामने क्वेश्चन आया आपने अप्रोच बदली कि अच्छा ठीक है ऐसे पूछा है लेट मी सॉल्व इट दिस वे ओके सो क्या हो रहा है आप अगर प्रीसेट मतलब एक प्री नोशन माइंडसेट के साथ जा रहे हैं ना वहां पे अगर आपको वैसी सिचुएशन नहीं दिखी आप होपलेस होंगे और दूसरी चीज आप क्वेश्चन गलत करेंगे क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्वेंटी का पेपर 2023 में आपको ना एलिमिनेशन दिखेगा ना कोई भी पिछले इतने साल से जो इतने सालों से जो क्वेश्चन आ रहा था उनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा था आपको तो ऑनेस्टली क्या हुआ लोगों के साथ देवर लाइक like, कि अब क्या करना है बहुत सारे लोग मैंने अपने एग्जाम हॉल में देखे थे हु गॉट मतलब एकदम नर्वस Some of the people, uh, there was a girl beside me. She started crying. पता है क्यों क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे उल्टा आप प्रिपेयर करके जाइए ना आप ये सोच के जाइए कि माय नॉलेज इज द बेस मैंने प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं माय प्रिपरेशन लेवल इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम टू क्लियर उतना आप करके जा रहे हैं ना ट्रस्ट मी यू विल आप हारेंगे नहीं वहां पर जाके आप सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे प्रिलिम्स इज ऑलवेज अबाउट हैंडलिंग सिचुएशन पढ़ सब रहे हैं वहां पर जाके यू विल हैव टू हैंडल योर सेल्फ एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस इज एवरी थिंग मैंने प्रिपेयर किया है एंड आई एल बी एबल टू मेक थ्रू इट कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको मॉक्स में कितने आ रहे थे क्या आ रहे थे ओके सो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग कि अगर आप कोई प्री सेट माइंड के साथ जा रहे हैं ना तो क्या हो रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जैसे पेपर था तो आपका ना इनोवेशन नहीं आएगी आपको ये नहीं समझ आएगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे चाहिए इंस्टेंटली बैठ के आप कैसे करेंगे आपकी खुद की एनालिटिकल स्किल्स नहीं रहेंगी ना खुद तो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स आप सिर्फ उतनी लीजिए जितनी ज़रूरत है प्रीवियस जो भी लोग प्रीवियस ये क्वेश्चन जैसे मैं हूँ कोई भी हैं सारे लोग अच्छा, अपनी तरफ से बेस्ट बताते हैं आपको बट क्या है ना अगर आप ऐसे प्रिपेयर करके जाएंगे तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट लेकिन अगर आपको कोई स्पून फीड कर दे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम राइट सो डोंट डू दैट मिस्टेक फोर्थ इज़ वॉचिंग विडियोज ना अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने वीडियो उठाई ठीक है आपको ये नहीं करना है कि आप पूरे चैप्टर्स पूरी बुक लक्ष्मीकांत की पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ वीडियोस के थ्रू ही खत्म कर रहे हैं नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू डूइंग दिस वे ना यू आर डूइंग अ पैसिव रीडिंग आपको फॉर द मोमेंट लग रहा है आपको सब समझ में आया बट वेन यू विल बी सींग क्वेश्चन इन दी पेपर तब आपको लगेगा यार ये तो कुछ और ही पूछ लिया पता है क्यों क्योंकि आपने वो खुद से नहीं पढ़ा था जब आप खुद पढ़ते हो आप उसको दस डायमेंशन में सोचते हो इसका मतलब ये हो सकता है ये आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो यू आर डेवलपिंग वो अपने आप खुद स्किल बना रहे हो कि आप समझ रहे हो लेकिन जब आप किसी और के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं तो आपको वो रेडीमेड रेसिपी मिल जाती है और आप खुद का एफर्ट नहीं लगाते हैं और जब आप खुद का एफ़र्ट नहीं लगाते ना तो मीन वाली जो चीज़ें आपको सीखनी होती हैं वो आप मिस कर जाते हो सो अवॉइड दिस सिर्फ उतनी चीज़ें देखिए जितनी आपको समझ नहीं आ रही है कितनी बार समझ नहीं आएगी दो बार तीन बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा थोड़े टाइम के बाद सिर्फ उन चीज़ों के लिए वीडियोज़ देखिए जो आपको समझ नहीं आती है ओके बिकॉज दिस वॉज माई हैबिट मैं जब पहले अपना ट्वेंटी ट्वेंटी में आई थी एग्जाम देने के लिए सो आई यूज़ टू बी लाइक कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वीडियो आप YouTube पे जाएंगे हर चीज़ पर वीडियो है एक छोटा सा छोटा टॉपिक है करंट अफेयर्स से लेके स्टैटिक पार्ट का ना इकोनॉमी में इन्वायरमेंट में स्पेक्ट्रम में आपको हर चीज़ पे मिलेगा उन्होंने वीडियो बना दी है ठीक है लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप जाके उनका डेटा कंज्यूम कर रहे हैं आप देख रहे हैं आपका इसमें कुछ बेनिफिट नहीं होना उल्टा आप अपने माइंड को ना और रेस्ट पे रहना सिखा रहे हैं वो ज़्यादा सोचेगा ही नहीं दिमाग ही नहीं लगाएगा बिकॉज आपको पता है कि आप जाओगे आपको मिल जाएगा आप खुद एफर्ट नहीं लगा रहे कि ये सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है व्हाट आर दे ट्राइंग टू स्पीक ओके योर बी योर बुक स्पीक्स टू यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज सेम चीज़ यू के पेपर में होती है इट हैज़ गॉट इट्स ओन लैंग्वेज वो आप खुद समझ पाएंगे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा मैसेज ना चार लोगों को चार तरीके में जा रहा होगा कोई उसको किसी चीज में सोच रहा होगा कोई उसको किसी चीज़ में सोच रहा होगा सो डेवलप योर ओन वे फोर्थ इज डिस्ट्रैक्शन फोन इंस्टाग्राम रील ग्रुप स्टडी लेट मी टेल यू नन ऑफ दि इज गोइंग टू हेल्प यू अगर आपकी फ़ोन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है उसको रिड्यूस करिए कीप इट अ साइड साइड में रखिए क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे यू विल हैव टू पे अ अवी कॉस्ट फॉर इट लेटर डोंट डू दैट रील्स रील्स इज समथिंग की जो आप देखते जाएंगे मेरे खुद के साथ होता है अगर आपने एक टाइम पे स्टार्ट किया आप दो घंटे तक स्क्रॉल करे जा रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा सो डोंट डू दैट एंड ग्रुप स्टडी ग्रुप स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं बट आप सच में नहीं पढ़ रहे हैं समटाइम्स इट्स ओके जब आप चाय पी रहे हैं आपने कर लिया डिस्कशन दैट इज ओके इट्स अ हेल्दी डिस्कशन ओके लेकिन दैट शुड नॉट बोअर मेन मीडियम ऑफ स्टडी कि आप ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम भी ऐसे ही पढ़ी जा रही है लक्ष्मीकांत भी ऐसे ही पढ़ी जा रही है मीन्स भी ऐसे ही पड़ी जा रहा है डोंट डू देट इट विल नॉट हेल्प यू ना वट शुड यू डू ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको करना क्या चाहिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए आप देखिए जो गाइडेंस आपको मिल रही है जो आपको समझ में आ रहा है किसी का भी वीडियो है किसी की भी स्ट्रैटेजी है किसी के भी सोर्सेज हैं आपको समझ आ रहे हैं आप देखिए पहली बात उन पर लिमिट लगाइए दूसरी चीज़ उनको समझ कर अपना तरीका बनाइए हो सकता है मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है लेकिन मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आती आपके साथ उल्टा हो सकता है आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आती है पॉलिटी नहीं समझ आती अब फाइनल एग्जाम में क्या होगा ना हिस्ट्री विल बी समथिंग जो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन उसके छोड़ूंगी या फिर लीव करूंगी जो भी है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे क्यों क्योंकि दैट इज योर मेन फोटे तो ऐसे आपको खुद देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे आप पेपर निकालेंगे दूसरे के लिए नहीं ओके सो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट यू ऑलरेडी सीन रिसोर्सेज गाइडेंस जो भी आप देख रहे हैं आप एक बार अपनी स्ट्रेटी बना लीजिए एंड स्टिक टू इट ऐसा नहीं कि, कि किसी दूसरे ने बता दिया आपको दो मिनट के लिए वो ईजी लग रहा होगा कि यार इन्होंने तो और बड़ा शॉर्टकट बता दिया और आप उसको फॉलो करने गए ये नहीं करना है आपको यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो ये दिक्कत हो जाएगी ना यू हैव टू बिलीव इन योर कि ठीक है जो मैंने डिसाइड किया था दैट इज़ फुल एंड फाइनल एंड आई विल फॉलो दिस सेकंड इज डेवलप योर ओन एनालिटिकल स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्ट रिलेशन है वो जो मैंने आपको पैसिव रीडिंग बताया और फ्री गाइडेंस के बारे में बताया अगर मैं आपको आज बता दूं कि दिस इज द वे यू आर सपोज टू रीड दिस इज द वे यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होगा ना आपने खुद का कुछ नहीं सीखा यू आर जस्ट लर्निंग वॉट आई एम टेलिंग यू एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा बैकफायर करेगा आगे जाके बिकॉज लोग बोलते हैं ना मेन्स में मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि वट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं उस चीज को आप खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ओके सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थर्ड इज स्पेंडिंग टाइम विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मैं आपको क्यों बोल रही हूं जब आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना आप उनको दस डायरेक्शन में सोचेंगे कि वाई डिड द एग्जामिनर आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर भी ये पूछा था इस साल भी ये पूछा है आप खुद ही मार्क कर लेंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट इफ ही इज आस्किंग यू ऑन रामसर वेटलैंड साइड्स इट मीन्स उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो दोबारा पूछ रहे हैं ओके कोई भी कन्वेंशन है इंटरनेशनल बॉडी है जिसपे बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स डी पी एस पीजी आर इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज आईव सॉल्व क्वेश्चन आइव सीन के एवरी मतलब वो घुमा के पूछेंगे लेकिन उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे ये मुझे कैसे आया नो बडी एल्स टोल्डनी मैंने खुद से पढ़ा है फॉर द टाइमिंग मैं आपको दिखा दूंगी दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज आप उनको पढ़ लेंगे बट क्या आपने उस पर खुद से रिसर्च की रिसर्च का मतलब होता है जो जो चीज़ें प्रीवियस ये क्वेश्चन में आपको दिख रही हैं आप उनको खुद पढ़िए खुद देखिए अब ये रिसर्च वाली चीज़ है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ विविदी प्रीवियस ईर क्वेश्चन की आपको कैसे सॉल्व करनी है सो आई होप आपको समझ आ पा रहा है ठीक है सो दिस वॉज द थिंग नाउ आप स्पेंडिंग टाइम विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू लर्न योर सेल्फ अगर आप हर छोटी चीज के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना ये पूरा प्रोसेस ही इस चीज का है यूपीएससी इज अ प्रोसेस आप एक दिन में नहीं सीख सकते आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे आप तब सीखेंगे यूफ सीन ना छोटे बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं तो पहले हम उनका पेन खुद पकड़ते हैं मतलब पेंसिल और अगर आप उस बच्चे को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक खुद ही पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे तो उसको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं खुद भी चला सकता हूँ आप आज सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं आज आप लिख पा रहे हैं क्यों क्योंकि किसी ने उस वक्त अपना हाथ हटाया होगा ना इनिशियली हैंड होल्डिंग की जाती है उसके बाद नहीं की जाती सो पुट योर ओन एफर्ट्स जिस चीज में आप खुद एफर्ट लगाते हैं ना वो चीज़ आपको दिखती है उसके रिजल्ट भी आपको दिखते हैं ट्रस्ट मी ऑन दैट लास्ट इज एक्टिव रीडिंग एंड रिकॉलिंग ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ एक्टिव रीडिंग और रिकॉलिंग आप खुद पढ़िए खुद समझिए मुझे लगता है मैंने पिछले सारे पॉइंट्स में ये चीज़ कन्वे कर दी है आप खुद पढ़ेंगे आपको खुद चीज़ें समझ में आएगी डू नॉट रिलाई ऑन पैसिव रिसोर्सेज अगर आपने कोई लेक्चर लगाया तीन घंटे का दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि आपने ये पढ़ाई की है नहीं ये आपको कोई बता रहा था आपने पढ़ लिया दैट ड नॉट काउंट इन टू स्टडी अगर आप सोच रहे हैं आपने दिन में तीन वीडियोस लगा ली तीन तीन घंटे के दैट यू स्टडीड फॉर आवर्स नो इट्स नॉट द केस सॉरी ऐसा नहीं है आपको खुद पढ़ना है दैट इज वॉट यू कॉल रीडिंग और इसको कैसे करना है पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हैं उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ग्लैस थ्रू दैम उसके बाद आप वो चीज पढ़िए एंड देन ट्राई सॉल्विंग देम अगेन पहले आपने सिर्फ देखा था अब आप उसको सॉल्व कीजिए फिर आपको समझ में आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं वाई एनीबडी एल्स नीड्स टू टेल यू कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए नहीं ना आप देखिए डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट बट यू कैन नॉट हैव अ रेडीमेड रेसिपी फॉर एवरीथिंग डोंट डू दैट एंड रिकॉलिंग रिविजन इज एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग एक्चुअली इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट जितना आप पढ़ नहीं रहे उससे ज्यादा रिविजन कीजिए क्या फ़ायदा अगर आपको वो एग्जाम टाइम में याद ही नहीं आया सो मेक श्योर कि आप कम पढ़ रहे हैं बट रिवाइज आप कर रहे हैं जितना आपने पढ़ा है उतना इतने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए कि यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक इन दैट ओके सो फाइनली आईव टोल्ड यू वट एवर आई वॉन्टेड टू आई एम ब्रिंगिंग अ वीडियो ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेर आई वेल टेल यू की हाउ यू हर सपोज टू डू द इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी कैसे है सो दैट यू गेट दैट स्किल ऑन यूर ओन आप खुद से सीखिए बताने के लिए मैं बता दूं कि मैंने एग्जाम में कैसे सॉल्व किया था तो वो मैं एज एन एग्जाम्पल बताऊंगी आपको कुछ क्वेश्चंस में बट जरूरी नहीं जैसे मैंने सॉल्व किया था आप वैसे ही सॉल्व करें हर एक का बैकग्राउंड अलग है हर एक ने अलग में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की है आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है जैसे मेरे को साइंस अच्छे से आता है क्योंकि माय पीजी वाज इन दैट थिंग ओके सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर चीज की बैकग्राउंड अलग है हर एक के स्ट्रेंथ्स अलग है तो उस हिसाब से आप अपनी मेथड्स रिवाइज कीजिए खुद सीखिए जस्ट नो द डायरेक्शन आप डायरेक्शन सीखिए उस बेसिस पे खुद पढ़िए एंड फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यू पी एस सी इज अ प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न एवरी डे इट्स अ मैरेथन ऐसा नहीं हो सकता आप आज शुरू करें और आपको लगे कि परसों मैं सारा पेपर सॉल्व कर लूँगा या एक महीने बाद या दो महीने बाद इट विल नॉट हैपन यू हैव टू स्टार्ट नाउ एंड यू विल इवेंचुअली सी द चेंजेस आप पूछिए उन लोगों से जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे शायद उनके सारे बुक्स नहीं पड़ी हुई होंगे उनको पहले क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे थे बट इन द सेकेंड अटैम्प्ट उनको सब समझ में आता है एंड यू विल सी कि जब एक बार लोग करते हैं तो वो रिपीटेडली निकालते चले जाते हैं बिकॉज वो एक प्रोसेस है जो उन्होंने सीखा है और अब वो उस चीज में एकदम प्रो हो चुके हैं उनको आ चुका है ओके okay. लेकिन अगर आप किसी के ऑलरेडी तरीकों के हिसाब से जाएंगे तो आप आज कर लेंगे लेकिन कल को आप क्या करेंगे फिर क्योंकि यूपीएससी इज जस्ट नॉट अबाउट प्रिलिम्स इट्स अबाउट मेन्स इट्स अबाउट इंटरव्यू जब आप सामने बैठ रहे होंगे इंटरव्यू पैनल के तो वो भी आपकी ये चीज अटेस्ट करेंगे तब आप किसी और के बे आइडिया के बेसिस पे नहीं जा सकते ना वहाँ पे यू विल हैव टू हैव योर ओन थिंकिंग पैटर्न यू विल हैव टू हैव योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड सो दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग सो डू नॉट रश योर सेल्फ कि किसी और का इतना हो गया अरे इनको तो इतने अच्छे से पता है ऐसे मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ ऐसे मैं क्यों नहीं सोच पा रही कि कैसे इंटरलिंक करना है ये एक चीज़ है जो लोगों को विद टाइम आई है आप अपने आप को टाइम दीजिए आपको भी आएगी और टाइम देने का मतलब ये नहीं है हम टेलिंग यू कि तीन साल साल तक होगा नहीं इतना जरूरत नहीं है ओके सो डू नॉट रश योर सेल्फ यू हैव दे हैव देयर ओन जर्नी एंड यू विल हैव योर ओन जस्ट लर्न इन द प्रोसेस बस ये देखिए कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हो सकता है मेरे लिए पीटी थ्री सिक्सटी फाइव काम की थी करंट अफेयर्स की वो विजन की मंथली मैगजीन काम की थी आप किसी और इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हो रहा है आप हो सकता है आपको इनसाइट ज्यादा समझ में आ रही है जो आपको समझ आ रही है आप वो पढ़िए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बट पढ़िए एक कीप योर रिसोर्सेज मिनिमम कीप य योर गाइडेंस मिनिमम जितनी कम चीज़ें आप सुनेंगे जितनी कम चीज़ें अपने अंदर आने देंगे उतना आपके लिए बेटर है एंड यू पी एस सी इज डायनेमिक फाइनली एडजस्ट योर सेल्फ टू चेंजेस और ये कब आएगा जब आप खुद मेहनत करेंगे आप खुद एफर्ट्स डालेंगे सॉरी अगर आप खुद एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना तो प्रॉब्लम यह होगी जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हुई बहुत लोगों का प्रॉब्लम्स नहीं निकला जिनका पहले निकला था उसका रीज़न क्या था क्योंकि आपका वो तरीका काम नहीं किया शायद जिस तरीके से आप जा रहे थे ना इस बार रटने का काम था ना इस बार टेक्निक्स का काम था किसी चीज़ का नहीं था इट वॉज योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हैं एंड दिस यू विल लर्न विद टाइम ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट आई विल बी ब्रिंगिंग फर्दर मोर वीडियोज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ मुझे बस ऐसा लगा कि इस टाइम पे इस चीज़ की जरूरत है बिकॉज प्रलम्स आर अप्रोचिंग और आप सब थोड़ा डिविएट हो सकते हैं सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई ऑल दीज थिंग्स मैंने ये स्टार्टिंग के एक दो अटैम्प्ट में किया था प्रॉब्लम सो so, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बैक फायर किया था सो प्लीज़ डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इट विल भी बी बी भी रिगार्डिंग प्रीवियस यर क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज़ यू कैन ड्रॉप मी आय कमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन और टेलीग्राम थैंक यू